नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष अग्रवाल और आप सभी देख रहे हैं फ्रेंचाइजी बताओ। फ्रेंचाइजी बताओ का एसोसिएट बनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप फ्रेंचाइजी बना सकते हैं। दोस्तों, फ्रेंचाइजी में बेसिकली तीन मॉडल होते हैं, एक होता है फोफो, एक होता है फोको और एक होता है कोको। अब मैं इसका मतलब आपको समझा देता हूँ। फोफो से हमारा मतलब है फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड, फोको से हमारा मतलब है फ्रेंचाइजी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड, कोको से हमारा मतलब है कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। अब इन तीनों में फर्क क्या है, आप ये चीज़ समझ लीजिए कि फोफो, जैसे कि आप कोई भी रेस्टोरेंट की फ्रेंचाइजी लेते हैं, किसी फैशन इंडस्ट्री की फ्रेंचाइजी लेते हैं, जहां पर कि इन्वेस्टमेंट भी आपने करना है, उसके डे टू डे के सारे एक्सपेंसेस भी आपने बियर करने हैं, लड़कों की सैलरी भी आपने पे करनी है, बिजली का बिल भी आपने पे करना है, वहाँ का नुकसान से भी मतलब आप ही का है, उसे फोफो मॉडल कहते हैं। जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं उसमें से 95% फ्रेंचाइजी फोफो मॉडल पर ही ऑपरेट करती हैं। वो क्यों फोफो मॉडल पर ऑपरेट करती हैं, इसके पीछे जो मेन रीज़न है वो ये है कि हर कोई ये चाहता है कि मुझे फ्रेंचाइजीज से केवल इन्वेस्टमेंट मिल जाए। जैसे कि आपने एक बिजनेस करना है और मैं एक फ्रेंचाइजर हूँ, तो जब मैं अपनी फ्रेंचाइजी दूंगा तो मैं ये चाहूँगा कि मुझे एक ऐसा बिजनेस पार्टनर मिले जो एक्टिवली उस बिजनेस में इंटरेस्ट रखे, उस बिजनेस में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे और उस बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस से मतलब उस बिजनेस पार्टनर का ही हो, कंपनी का ना हो। अगर कंपनी को ही हर चीज़ से मतलब रखना है तो उसे फ्रेंचाइजी बनाने की क्या ज़रूरत है, वो लोन पर पैसे लेकर क्यों नहीं अपने स्टोर्स जगह जगह खोल लेती है। इसलिए 95% जो फ्रेंचाइजीज हैं वो फोफो मॉडल पर काम करती हैं, फ्रेंचाइजी ओन्ड फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड। इसका एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि रोल सिंह एक फ्रेंचाइजी है, दिल्ली की एक फ्रेंचाइजी है, ये 5 से 7 लाख रुपए में टेक अवे मॉडल देती है। इस टेक अवे मॉडल में 2 लाख रुपए इनके फ्रेंचाइजी फीस है और बाकी जितने भी पैसे इनके लगते हैं वो सारा स्टोर सेटअप में खर्चा हो जाता है। अब वो स्टोर सेटअप जो फ्रेंचाइजी है वो चाहे तो कम में भी करा सकती है, चाहे तो ज़्यादा में भी करा सकती है। ये जो हम एस्टीमेट बताते हैं कि 5 से 7 लाख रुपए एक एस्टीमेट इन्वेस्टमेंट है, ज़रूरी नहीं है कि इतनी ही इन्वेस्टमेंट लगे। अगर किसी को अपना स्टोर बहुत ज़्यादा आलीशान बनाना है तो हो सकता है कि उसकी इन्वेस्टमेंट 10 लाख से 12 लाख भी पहुँच जाए। और किसी ने अगर जुगाड़ लगाकर पुराना फर्नीचर जुगाड़ कर लिया, पुराने इक्विपमेंट्स जुगाड़ कर लिए या फिर पहले से कुछ इक्विपमेंट्स उसके पास हैं तो हो सकता है कि 3-3.5 लाख में पूरा फ्रेंचाइजी स्टोर वो स्टार्ट कर ले। तो दोनों चीज़ें ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ये आपको देखना है। चूंकि आप एज ए फ्रेंचाइजी कंसल्टेंट काम कर रहे हो तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिसको आप बिजनेस दिलवा रहे हो किस तरीके से आप उसके पैसे सेव करो और इसी बात के वो हमें पैसे देता है। तो ये चीज़ हमें और आपको देखनी है कि हम किस तरीके से उसका पैसा सेव कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होता है कि जितनी भी सेल्स होती हैं, सपोज करिए आपने पूरे महीने में 5 लाख की सेल करी, तो जो कंपनी होगी वो कंपनी उसमें से एक रॉयल्टी लेकर चली जाएगी। रॉयल्टी सबकी अलग अलग होती हैं, रोल सिंह 5% रॉयल्टी लेता है, कोई 4% भी लेता है, कोई 6% भी लेता है, तो सबकी रॉयल्टी अलग अलग है। जैसे 5 लाख की सेल हुई, रोल सिंह ने 5% रॉयल्टी ले ली, अब उसके पास बचे 4,75,000। 4,75,000 रुपये में से उसने रेंट भी पे करना है, उसने स्टाफ की सैलरी भी पे करनी है, उसको डे टू डे के सारे खर्चे भी पे करने हैं, जो रॉ मटेरियल आया होगा उसकी भी पेमेंट करनी है। इन सब को पेमेंट करने के बाद जो उसके पास प्रॉफिट बचता है वो उसका नेट प्रॉफिट है, दैट इज कॉल्ड नेट प्रॉफिट इन फोफो मॉडल। तो ये था पहला मॉडल फोफो। दूसरा मॉडल मैं आपको बताने जा रहा हूँ फोको। फोको मतलब फ्रेंचाइजी ओन कंपनी ऑपरेटेड, जहाँ पर इन्वेस्टमेंट या पैसे तो फ्रेंचाइजी के लगे होते हैं लेकिन डे टू डे के सारे ऑपरेशंस कंपनी करती है। आपको कोई मतलब नहीं है डे टू डे के ऑपरेशंस से। अलग अलग फ्रेंचाइजीज अलग अलग तरीके से आपको ये फोको मॉडल देती हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं तो आप फोको मॉडल किसी को बता सकते हैं। फोको मॉडल में हमेशा प्रॉफिट मार्जिन कम रहता है, क्योंकि बिजनेस का एक सिद्धांत आप अपने बिल्कुल गांठ बांध लीजिए, कोई भी पैसे अपनी जेब से नहीं देता है, वो आपसे कमाकर ही आपको पैसे दे रहा होता है। अगर आप फोफो मॉडल लेते हैं तो 12 लाख में आपका स्टोर खुल जाता है, लेकिन जब आप फोको मॉडल लेने जाते हैं तो स्टोर आपका 19 लाख में खुलता है। तो ऐसा कैसे हो गया? ये 7 लाख रुपए कंपनी सिक्योरिटी ले रही है आपसे अलग से, ताकि वो फोको मॉडल में आसानी से रन कर सके, अचानक से उसके पास पूंजी ना खत्म हो। किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के बाद हो सकता है कि 3 से 6 महीने तक कोई भी ग्राहक ना आए या फिर प्रॉफिटेबिलिटी ना आए,
आपका बिजनेस लॉस में चले, उस समय आपके पास पूंजी की जरूरत होती है, तो वो पूंजी फोको मॉडल में बिजनेसमैन पहले ही ले लेते हैं। दूसरा जो फोको मॉडल का एग्जांपल मैं बता रहा हूँ वो है डीएम स्टेप्स का, डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स, जो कि एक एजुकेशन फ्रेंचाइजी है। ये 2 लाख रुपए में, 2 लाख रुपए मात्र में फोको मॉडल दे रही है। इसमें आपको 2 लाख रुपए देने हैं और प्लस में एक क्लासरूम सेटअप तैयार करके देना है। वो क्लासरूम सेटअप आप 2 लाख में भी तैयार कर सकते हैं उसके अलावा, या फिर 1 लाख रुपए में भी तैयार कर सकते हैं, या फिर कोई आपका एग्जिस्टिंग क्लासरूम सेटअप है आप उसको भी कन्वर्ट कर सकते हैं टू डीएम स्टेप्स फ्रेंचाइजिंग। ऐसा बिजनेस आपको दोबारा नहीं मिलेगा दोस्तों। इसमें क्या है कि कंपनी जितने भी स्टूडेंट एडमिशन होते हैं उस एडमिशन का 25% फिक्स आपको देती है और प्लस में रेंट के नाम का आपको 10% देती है। तो जैसे कि आपने किसी को डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स की फ्रेंचाइजी दिलवाई, कोई एग्जिस्टिंग कोचिंग सेंटर वाला है जिसका क्लासरूम सेटअप तैयार है, सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऑलरेडी एक प्रोजेक्टर उसके पास है, उसके पास एक काउंसलिंग रूम है, एसी लगा हुआ है, एक ठीक ठाक लोकेशन पर उसका इंस्टीट्यूट है, उसने 2 लाख रुपए दिए, 2 लाख रुपए देकर डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स के फोको मॉडल की फ्रेंचाइजी ले ली। अब क्या है कि डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स वाले वहां पर 2 एम्प्लॉय हायर करेंगे आपके लिए, उसकी सैलरी कौन देगा? डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स देगी, आपको नहीं देनी है। उस जगह का इलेक्ट्रिसिटी बिल कौन पे करेगा? डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स पे करेगा। उस जगह का बिजली पानी जो भी और एक्स्ट्रा जो भी खर्चे होते हैं वो सब डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स करेगा। वहां के लिए मार्केटिंग कौन करेगा? डिजिटल मार्केटिंग स्टेप्स करेगा। तो सारे खर्चे डीएम स्टेप्स करेगा। आपको क्या मिलेगा? आपको ये मिलेगा जितने भी एडमिशन हुए उस एडमिशन के बदले 25% आपको डायरेक्ट मिल जाएगा। जैसे पूरे महीने में सिर्फ 5 एडमिशन हुए, 1 एडमिशन से 20,000 मिलते हैं, 5 एडमिशन से आपको 1 लाख रुपए मिले, तो 25,000 रुपए आपको मिल जाएंगे, प्लस में 10,000 रुपए रेंट के नाम के, मतलब 35,000 रुपए आपके पास आ जाएंगे। रेस्ट ऑफ द अमाउंट से डिजिटल मार्केटिंग अपने सारे खर्चे पे करेगा, स्टूडेंट को पढ़ाएगा, स्टूडेंट के प्लेसमेंट में हेल्प करेगा, सारी चीज कंपनी करेगी। तो ये फोको मॉडल है। यहां पर आपके टाइम तो लगता ही नहीं है, क्योंकि जो रन कौन कर रहा है? कंपनी रन कर रही है, आपको तो रन करना ही नहीं है, आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट लगानी है। तो फोको मॉडल बहुत कम अवेलेबल होते हैं, लेकिन जो फोको मॉडल अवेलेबल हैं वो आपको जांच परख के लेने चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फोको मॉडल के लालच में आप अपनी पूंजी खो दें। हमेशा कंपनी को समझें, कंपनी को देखें, कंपनी की वेबसाइट है कि नहीं है, कंपनी का ऑनलाइन प्रेजेंस है कि नहीं है। जब आप कंपनी का नाम लिख के डाल रहे हैं तो ऑनलाइन कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उसके टेस्टिमनीज क्या हैं, उसके रिव्यूज क्या डले हुए हैं, आप किसी क्लाइंट से बात करिए उसके बारे में, आप किसी फ्रेंचाइजी से बात करिए उसके बारे में, ऑनलाइन क्या कहा जा रहा है उस कंपनी के बारे में, ये सब चीजें जानिए, उसके बाद ही फोको मॉडल की फ्रेंचाइजी लीजिए। डायरेक्टली बिना जांचे परखे ना फ्रेंचाइजी लीजिए और ना ही किसी को रिकमेंड करिए। आप बहुत जिम्मेदारी का काम कर रहे हैं, आप किसी का बिजनेस स्टार्ट करवा रहे हैं, कल को जब वो कमाएगा तो आपके गुण गाएगा, लेकिन अगर उसका पैसा डूब गया या वो नुकसान में चला गया, भले ही वो उसकी गलती की वजह से हुआ है, लेकिन फिर भी नाम आपका खराब होगा, तो ऐसा काम कभी भी मत करिएगा। दोस्तों तीसरा टाइप की जो मॉडल है वो है कोको मॉडल, कंपनी ओन्ड कंपनी ऑपरेटेड। इसमें क्या होता है, जैसे पेट्रोल पंप होते हैं कई सारे, वो इन्वेस्टमेंट भी कंपनी करती है, ऑपरेट भी कंपनी करती है। बेसिकली इसको हम दूसरे तरीके से बोले तो आपकी जगह को लीज होल्ड पर ले लेती है। जैसे कि रिलायंस चल रहे हैं बहुत सारे, जैसे कि डीमार्ट कर रहा है, डीमार्ट सारी इन्वेस्टमेंट खुद करता है, डीमार्ट सारे फ्रेंचाइजीज खुद चलाता है। तो ये कोको मॉडल है, दिस इज द कोको मॉडल फ्रेंचाइजी। द होल बिजनेस इज ओन्ड बाय कंपनी, द होल बिजनेस इज ऑपरेटेड बाय कंपनी। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं। तो दीज आर द 3 मॉडल्स वेयर यू कैन ऑपरेट द फ्रेंचाइजी। 1 is FOFO, 2nd is FOCO एंड 3rd is COCO। आपको कोको मॉडल पर कभी काम नहीं करना है, आपको जितने भी काम करने हैं सारे फोफो या फोको पर करने हैं। तो आप इस मॉडल को समझें, आप रेगुलर हमारे वीडियोस देखें। आप लोग ट्रेनिंग बोलते हैं, लेकिन जितनी भी मैं वीडियोस डालता हूँ, अगर आप पूरे उन वीडियोस को अच्छे से देखेंगे, उसके बारे में क्वेश्चन पूछेंगे, आपकी अपने आप ट्रेनिंग होती रहेगी। यही तो इन्फॉर्मेशन है। आप अधिक से अधिक लोगों से बात करें, जब तक आप लोगों से बात नहीं करेंगे आपकी ट्रेनिंग कभी होगी ही नहीं। सो, ये मेरा आज का दूसरा वीडियो था। आगे भी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आता रहूंगा, नई नई ट्रेनिंग वीडियोस आते रहेंगे, हर हफ्ते एक वीडियो आपके लिए आएगा। आई एम वेरी थैंकिंग यू
फॉर टेकिंग द फ्रेंचाइजी ऑफ फ्रेंचाइजी बताओ, आप हमारी फ्रेंचाइजी बेचकर भी पैसे कमा सकते हैं अगर आप फ्रेंचाइजी बताओ कि फ्रेंचाइजी कहीं पर भी बेचते हैं उसके बदले आपको 20% कमीशन मिलता है, जितने में भी आप बेचेंगे उसका 20% कमीशन आपका रहेगा। सो अगेन वेरी वेरी थैंक यू टू यू ऑल।